नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं डॉक्टर साहब पास आया हूँ। जो हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, शहरों में जो पटरी व्यवसायी हैं, जो रोज़ मजदूर हैं, जो कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, किसान हैं, किसानों के साथ मजदूर हैं, जिनकी हालत इस कोरोना काल में बहुत ख़राब हो चुकी है, वो ऐसे लोगों के लिए मैं आप पास आया हूँ डॉक्टर साहब के पास, कि जो अपनी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि डॉक्टर की फीस जमा कर सकें, दे सकें, तो हम उनके लिए आए हैं कि डॉक्टर साहब उनके लिए कुछ ऐसी स्थिति बताइए। देश में बहुत तेज़ी से प्रचार हो रहा है कि कोरोना का तीसरा लहर आ रहा है, तो इस तीसरे लहर से या ये जो संक्रमण काल है, इससे हमारे ये जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, कैसे अपने आप को बचावें, इसके बारे में आप थोड़ा दृष्टि दें। जी, सर्वप्रथम नमस्कार मित्रों, और सर्वप्रथम भाई साहब को जो इस कोरोना काल में हम लोग के साथ लगातार समाज के बीच में लगे हुए हैं, कैसे है गरीब किसान दलित पिछड़े वर्ग को कैसे सूचना के माध्यम से कैसे उनको बीमारी को रोका जाए, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विकल्प परिस्थिति में भी लगातार लगे हुए हैं और चल फिर रहे हैं, और इसके साथ ही लोगों को पास कैसे अच्छे स्वास्थ्य रोजगार और तमाम सारी चीज़ें कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हमेशा प्रयासरत हैं। तो भाई साहब, सर्वप्रथम मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूँ कि जो आपने प्रश्न पूछा कि किस तरह से गरीब किसान मजदूर आदिवासी और रेवड़ी बेचने वाले लोग जो सड़क पर अपना रोजगार बिजनेस करते हैं, कैसे कोरोना महामारी से बचे और कैसे अगली लहर से हम लोग सुरक्षित हो पाए। तो मित्रों, मैं एक आपसे कहना चाहता हूं कि जो अभी कोरोना काल आपने देखा कि किस तरह से एक भयंकर तीव्र वेव आई और लगभग 2 महीना में काफ़ी लोग की जान ले लिया, तो इसका कारण ऐसा नहीं कि अचानक से आई और अचानक से सारी चीज़ें विषम परिस्थिति, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देंगे तो अपना समाज के बीच में रह रहे हम ही लोगों ने की वजह से ही कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ा। जैसे आपने देखा हुआ कि जो ही कोरोना की पहली लहर खत्म हुई तो हम लोगों ने क्या किया कि मास्क पहनना छोड़ दिया, उसके बाद हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, उसके बाद हम लोगों ने गैदरिंग स्टार्ट कर शादी ब्याह में बड़ी संख्या में सम्मिलित होने लगे, पार्टियां करने लगे और चुनाव प्रचार करने लगे, ऐसे तमाम चीज़ें हमारे चारों ओर व्याप्त होने लगी, और उसी के साथ साथ कोरोना भी हमारे आपके माध्यम से धीरे धीरे समाज के बीच में पूरे देश में धीरे धीरे फैलता चला गया, देश के एक कोने से दूसरे कोने पर चारों ओर कोरोना फैल गया धीरे धीरे। अब जब कोरोना को एक बेहतर वातावरण मिला आपके शरीर में, उसमें जो ही आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगी, जो ही आपके शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर होने लगी, जो ही खान पान आपका अशुद्ध होने लगा, जो ही आपके हवा मिट्टी प्रदूषित होने लगी, ये कोरोना का जो वायरस है धीरे धीरे आपके शरीर में जगह बनाता गया और आपके शरीर के सारी इम्यूनिटी सिस्टम को सारी प्रतिरक्षा शक्तियों पर हावी हो गया और नाक और मुँह के माध्यम से आपके गले और फेफड़े में चला गया, वहाँ पर जाके जो कोशिकाएँ हैं, जो हमारे फेफड़े की कोशिकाएँ हैं, वहाँ पर जाकर अटैक किया और वहाँ फेफड़ों को लगभग एक तरह से कहा जाए तो लेमन की भाषा में खा गया, या हमारी भाषा में मैं जानना चाहेंगे मेडिकल की भाषा में तो उसे इन्फेक्टेड कर दिया लंग्स को, और लंग्स में जो ही इन्फेक्शन हुआ था निमोनिया डेवलप हो जाता है। निमोनिया डेवलप होने से एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम सांस लेने में असमर्थ होने लगे और हमारी खांसी बढ़ गई, हमारा बुखार होने लगा, हमारे खाने पीने की इच्छा खत्म हो गई, हमारे सुगंध चले गए, हमारा शरीर कमज़ोर हो गया, जो ये सब सारी चीज़ें होने लगे धीरे 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 हमारे फेफड़े का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा और हमें ऑक्सीजन के लिए अपने अस्पतालों की ओर सरकारी व्यवस्थाओं की ओर में भागना पड़ा। जो लोग सही समय पर आ गए हों तो बच गए, जो दुर्भाग्यवश थोड़े बहुत लेट हो गए या नहीं आ पाए अस्पतालों में उनकी जान चली गई। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने पहली लहर को कंट्रोल किया, अब दूसरी लहर भी लगभग कंट्रोल हो गई है। आपने देखा कि जिस तरह सरकार भी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समाज के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम ऐसे लोग लगातार इस कोरोना के बचाव के लिए प्रयास करते रहे, और मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी अपने माध्यम से लोगों को सुरक्षित होने का सारा उपाय किया, तो कहीं ना कहीं हम सबके प्रयास से, पूरे समस्त देशवासियों के प्रयास से हम दूसरी लहर पर भी धीरे धीरे विजय प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस विजय को प्राप्त करने के पीछे हमने बहुत सारे हमारे
जो चीर परिचित थे उनको हमने खो दिया। अब हम लोग इतनी हिम्मत नहीं है कि तीसरी लहर जो आने वाली है, जैसा कि संभावना प्रकट कर रहे हैं हम लोग, की सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीनों में आने वाली है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तैयारी कैसी हमारी हो, हम जैसे अब धीरे धीरे कोरोना से दूसरी लहर कम होगी तो मार्केट बाजार सारी चीज़ें धीरे धीरे सरकार खोल रही, तो आपको ये व्यवस्था करनी है कि जब सरकार खोल रही तो अपने को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दो गज की दूरी जो नियम है उसको फॉलो करना है, और इसके साथ अपना पौष्टिक आहार भोजन और नियमित दवाएं, शुगर बीपी के जो मरीज होंगे या सांस के जो मरीज होंगे अपनी नियमित दवाएं लेते रहेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं करना है। और बहुत सारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले भाई बंधु जिनके अंदर एनीमिया का समस्या होती है, खून की कमी होती, वो अपना भोजन हरी सब्जियां, पालक, दूध, दलिया, अंडा और मीट भी आप ले सकते हैं, इसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप भोजन करते रहें जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो हमें तीन चार बातों विशेष ध्यान, जैसे कि एक मास्क लगाना है, दूसरा हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, तीसरा अपना पौष्टिक आहार भोजन सबसे महत्वपूर्ण है शरीर के लिए हमारे भोजन, जैसे हरी सब्जियां हमने बताया, हरी सब्जियां, पालक, चुकंदर, दूध, दलिया, अंडा, इसके साथ हमें मीट और आपको ड्राई फ्रूट्स, इसके साथ जो भी आप लेते रहेंगे इससे आपकी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़े। फास्ट फूड, जंक फूड और पूरी चाउमीन मसाला ये सब को थोड़ा सा दूरी बनाएंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप इस तीसरे लहर के वायरस से लड़ने के लिए समर्थ हो पाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि चौथी बात कि जहाँ भी कोई आयोजन, शादी ब्याह का आयोजन हो, भीड़ का आयोजन हो या मेले का आयोजन हो, पूजा पाठ, वहाँ अपनी उचित दूरी बनाकर, उचित दूरी बनाकर ही आपको लोगों से मिलना है और उन कार्यक्रमों में शामिल होना है। तो मेरा इसी देशवासियों से निवेदन है कि अपना प्रतिरक्षा शक्ति अच्छा रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पालन, और बहुत अति आवश्यक हो तभी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप जाएं या शादी ब्याह या ऐसे कोई भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई साहब से कहूँगा कि आपको कुछ और पूछना हो तो उनसे। ये हम डॉक्टर रविशंकर मौर्य जी जो MBBS MD हैं और बनारस के बहुत ही ख्याति लब्ध डॉक्टर हैं, मैं उनके पास आया था आपके लिए, और आपके भी कुछ प्रश्न होंगे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप देंगे, हम पुनः आपकी समस्या लेकर के आएंगे और डॉक्टर साहब से उसका निदान खोजेंगे और देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।